अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब पे आपको क्लिक करना है और बेल आइकॉन पर आपको क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देना है। मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद एंड यू आर वाचिंग जुन्नी फॉर यू। आई होप आप सब खैरे से होंगे। तो हाजिर हो एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडेसिटी के बारे में। ओके, आपने सुना होगा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ऑडियो के लिए और नॉइज़ वगैरह भी रिडक्शन करता है। ओके, नॉइज़ वगैरह को, जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उससे रिड्यूस करता है। तो दोस्तों एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है। ओके, इसके बैकग्राउंड पे नॉइज़ है, हम उस नॉइज़ को रिड्यूस करेंगे ऑडेसिटी का यूज़ करते हुए। ओके, तो चलिए सबसे पहले ऑडेसिटी को हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, ऑडेसिटी लिख देते हैं और इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ ऑडेसिटी आपको लिखना है, ये फर्स्ट यूआरएल है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। ओके, तो यहाँ डाउनलोड पे आपको क्लिक कर लेना है। मल्टीपल डिवाइसेस के लिए आपको मिल जाएंगी, आपका जो भी डिवाइस है उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कीजिए। ओके, तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको zip और execute फाइल, तो मैं फर्स्ट वाला है execute फाइल, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ऐसे आप डाउनलोड करेंगे, 19 MB की फ़ाइल है। ओके, आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये डाउनलोड हो जाएगा, तो ब्राउज़र को हम क्लोज़ कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इस ऑडियो की क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ। ओके, इसकी बैकग्राउंड जो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी, वो देख लेते हैं। ओके, आप सुन लें। हाय दोस्तों, ये एक टेस्टिंग वीडियो है। ओके, आप सुन, तो आप देख रहे हैं, तो सॉरी सुन रहे होंगे कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है उसके बैकग्राउंड में कितना नॉइज़ है। तो हम इस नॉइज़ को रिड्यूस करेंगे। ओके, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, बस होने वाला है। ओके, इसे ओपन कर लेते हैं। जब तक आप ये ऑडियो पूरा सुन ले। ओके, ओके, ऑडियो फिर भी सुन सकते हैं। जो इसके बैकग्राउंड नॉइज़ है इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे। ओके, ऑडासिटी को यूज़ करते हुए, ऑडासिटी एक सॉफ्टवेयर है। ओके, आपने देखा कितना नॉइज़ है, तो हम इसको किसी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं ऑडासिटी को यूज़ करते हुए। ये एक नॉर्मल माइक, सॉरी एक नॉर्मल माइक की वीडियो है। ओके, ये बहुत नॉर्मल और चीपेस्ट माइक है, मैं उससे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सिंपली अगेन आपको नेक्स्ट कर लेना है और फिनिश, आपका जो ऑडासिटी है वो इंस्टॉल्ड हो गया। तो ये अभी ओपन हो जाएगा। ओके, इसका आप यूज़र इंटरफेस दे सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ से कैमटेशिया जो वीडियो एडिटर है, यहाँ आके आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सट्रैक्ट रिकॉर्डिंग कंटेंट्स, सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। ओके, या लोकेशन सेट करनी है मेरे को, बैकग्राउंड डेस्कटॉप पे चाहिए तो सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से सिर्फ मुझे माइक्रोफोन ऑडियो चाहिए तो सिंपल इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये सेफ हो गई होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऑडियो है सेफ हो चुका है। सिंपली इसको आपको होल्ड करके यहाँ ड्रैग कर लेना है। ओके, ऑडेसिटी के अंदर और ओके दबा देना है, सिंपली इसे बड़ा कर लेना। तो अब नॉइज़ चेक कर लेते हैं। तो सिंपली इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि हमें ये जो फर्स्ट नॉइज़ है इसको रिमूव करना है। ओके, तो इसे सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे थोड़ा सा। ओके, ये छोटा सा एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाके यहाँ लिखा हुआ है नॉइज़ डिटेक्शन,
सॉरी मेरा प्रोनाउंस का मसला होगा, ओके मेरी प्रोनाउंस का बहुत मसला है इंग्लिश में, तो आप समझ गए होंगे नॉइस रिडक्शन। सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल ए आल, ओके अगेन आपको इफेक्ट में जाना है, यही सेम प्रोसेस नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करके अब आपको यहाँ ओके दबाना है, ओके सिंपली ओके ओके पे क्लिक कर लेना है, तो ये थोड़ा लोडिंग उठाएगा और जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ वेव्स हैं इनमें कितना डिफरेंसेस आ गया है, तो सिंपली अभी सुन लेते हैं। हाय दोस्तों, ये एक टेस्टिंग वीडियो, तो आप देख सकते हैं कितनी हद तक इसने रिड्यूस किया, ओके। तो दोस्तों अगर आप इसे बार बार करेंगे तो आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी, ओके आप समझ सकते हैं बार बार आप करेंगे तो जो वेव्स हैं ये डाउन अप डाउन होती रहेंगी, तो आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक या दो बार करें, ओके ज़्यादा मत करें। हाय दोस्त, आप देख सकते हैं किसी हद तक यहाँ हमने जो नॉइज़ है वो रिड्यूस कर ली है, ओके तो एक बार और कर लेते कंट्रोल ए, फिर यहाँ आके आपको यहाँ पे ओके कर लेना है, ओके अगेन सुन लेते हैं। हाय दोस्तों, ये एक टेस्टिंग वीडियो है, ओके आप सुन सकते हैं जो इसके बैकग्राउंड नॉइज़ है इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, ओके ऑडासिटी को यूज़ करते हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसकी बैकग्राउंड नॉइज़ है, और सॉरी नॉइज़ नहीं जो वॉइस है वो कितना डिफरेंसेस आ गया है, तो आपको सिर्फ एक बार ही करना है। मैं कंट्रोल जेड दबा के इसको फिर जो हमने एक बार फर्स्ट टाइम किया था तो वही हमारे लिए एनफ है, तो मैंने कंट्रोल जेड दबाया तो ये जो क्वालिटी है ये अच्छी क्वालिटी, ओके हाय दोस्तों ये ओके बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो सिंपली आपको सेव कैसे करना है, फाइल के अंदर जाके एक्सपोर्ट के अंदर जाके यहाँ आपको डब्ल्यू ए फाइल पर क्लिक कर लेना है, डब्ल्यू ए वी, ओके यहाँ लोकेशन सेट कर लेनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू ऑडियो लिख देता हूँ, उसे सेव कर लेता हूँ, ओके ये सेफ हो गया। तो आप देख सकते हैं हम फर्स्ट वाला फाइल चेक कर लेते हैं, नॉइज़ आप देख चेक कर ले, ओके हाय दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसमें नॉइज़ बिल्कुल सुनाई दे रही है, और सेकेंड वाला वीडियो, हाय दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक बार जो रिडक्शन यूज़ करने से कितना इम्प्रूवमेंट आ गई, तो आप खुद ही रियलाइज़ कर सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है, ओके ये एक चीपेस्ट माइक का रिकॉर्डेड वीडियो है, ओके तो सिंपली यहाँ आपको यहाँ आना है, ओके इसकी ऑडियो को यहाँ से डिलीट कर लेना है और जो बाहर है उसे होल्ड करके यहाँ इसके अंदर ड्रैग कर लेना है, ओके ड्रैग करेंगे तो आप अपने इसको वीडियो के साथ यूज़ कर पाएंगे, ओके सिंपली। तो आप अभी अगेन यहाँ इसे लिसन कर ले, सुन ले, ओके हाय दोस्तों, ये एक टेस्टिंग वीडियो है, ओके आप सुन सकते हैं जो इसके बैकग्राउंड नॉइज़ है इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, ओके ऑडासिटी को यूज़ करते हुए। ऑडासिटी एक सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों इतना ही था, ओके आपको सिर्फ एक वे दिखाना था, ओके हम कैसे अपने वीडियो जो ऑडियो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं किसी हद तक, ओके ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो बेकार हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको लिटिल बिट हेल्प मिल गई होगी। अगर कोई इंग्लिश में मेरी गलती मिस्टेक निकली हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ओके सपोर्ट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।